What is your name? My name is Dharmendra. Father name? Rakesh Mehta. Mr. Rakesh Mehta. Class? 7th. School name? G National Public School. जो टीचर पढ़ाने आते हैं आपको, सर का नाम क्या है? मिस्टर शिवम त्रिपाठी. शिवम त्रिपाठी. आपको पूरे एक महीने हो गए पढ़ाते हुए उनको, राइट? एक महीने में आपको क्या क्या पढ़ाया उन्होंने? सर उन्होंने सर चैप्टर मैं सब्जेक्ट बताऊँ? हाँ, सब्जेक्ट बताइए और चैप्टर्स. मैथ, साइंस, एसएसटी. सर मतलब सर थोड़ी बहुत चीज़ें भी समझाते हैं चैप्टर से बाहर की जो रिलेटेड होती हैं. ओके, जैसे कि? जैसे कि सर समटाइम्स सर जैसे मैथ्स के सॉल्यूशन जैसे बुक में दिया है एक तो उनको समझाते हैं S20. क्या पढ़ाते हैं जैसे कि अलग से और क्या क्या बताते हैं? सर अलग से मतलब थोड़ा बहुत चैप्टर से रिलेटेड जैसे मैथ्स का. हाँ. मैथ्स में जहाँ मुझको समझ में भी नहीं आता है वहाँ कहते हैं कि अगर ये तुम इस तरीके से भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो बुक में है उससे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. बहुत बढ़िया, ठीक है. सब्जेक्ट कौन कौन सा बताया आपने? कौन कौन सा? मैथ्स, साइंस, SST. अभी सर मेन यही चल रहा है क्योंकि अभी सर इन सब का कंप्लीट कर लें सर उसके बाद. ठीक है, SST में आपको कितने लेसन पढ़ाया सर ने? सर SST में हमारे सर ने सर हिस्ट्री का पहला, जियो सॉरी सिविक्स का पहला और जियो सर अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं सर. जैसे जियो और हम लोग मैथ्स का 4th चैप्टर आधा कंप्लीट कर चुके हैं सर. ये दोनों साथ में लेके चल रहे हैं तो शायद सर आज मैथ्स का कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगा था तो इसीलिए स्टडीज लिखने वाली रिटर्न रुक गई थी. ओके, ठीक है. SST में कितने लेसन हुए? सर SST में अभी 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं. पहला लेसन का नाम बताइए. सर हिस्ट्री का पहला लेसन है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स. व्हाट डू यू लर्न इन दिस चैप्टर? सर इसमें हम लोग पढ़े कि जैसे अलग अलग एम्पायर्स के बारे में कि पहले राजा कैसे रूल करते थे. पहले जैसे एक बड़ा रूलर रहता था वो अपने पार्ट्स में अपने किंग्स को बैठाए रहता था और वो एक जगह को एक प्लेस को खुद रूल करता था सर. ये ऐसा हम लोग पढ़ते रहे और बस ये था. ठीक है, सेकंड लेसन में आपने क्या पढ़ा? सर सेकंड लेसन हमारा सिविक्स का था ऑन इक्वालिटी. सर उसमें हम ये पढ़े कि कैसे इक्वालिटी ज़रूरी है. जैसे अभी जैसे हम वोट देने जाते हैं उस चैप्टर में ये बताया है तो अमीर गरीब जो भी हैं ब्लैक वाइट जैसे भी लोग हैं सब लाइन में रहते हैं वोट करने के लिए. लेकिन सर जैसे जब गरीब को हॉस्पिटल जाना रहता है तो उनको सरकारी हॉस्पिटल के लाइन में खड़ा रहना पड़ता है. तो वही वो जो कैरेक्टर है वो बोल रही है हम वोट देने जाते हैं तो ये एक राइट हो गया. लेकिन जब कोई अमीर आदमी अपने बच्चे की दवा करवाने ले जाता है तो उसको लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता है. सर यही उसमें बताया गया है कि इक्वालिटी के बारे में. ओके ओके, आपके हिसाब से सोसाइटी में इक्वालिटी का क्या मतलब है और कैसा होना चाहिए? सर इक्वालिटी तो हमारे यहाँ अभी 100% तो नहीं है मैं मानता हूँ. ठीक है, क्योंकि सर कई बार मैं विलेजेस में देखा हूँ कैसे लोगों को अब भी अनटचेबल बोला जाता है और कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लोगों को कि ये ऐसा है तो ये हमारे यहाँ काम नहीं कर सकता मतलब इसको हम वर्क नहीं दे सकते. सर हाँ कई जगह है अभी अच्छा है मतलब जैसे हम कभी वोट देने जाते हैं या फिर कुछ ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ ठीक रहता है मतलब वहाँ हम इक्वालिटी बोल सकते हैं. लेकिन सर अभी 100% इक्वालिटी हमारे कंट्री में नहीं है. ओके, ठीक है. 2 लेसन हो चुके हैं आपके, ठीक है. SST के अलावा कौन सा सब्जेक्ट था? सर SST साइंस. साइंस में कितने लेसन हुए? सर साइंस का 4th लेसन कंप्लीट मतलब हाँ हो गया लेकिन उसमें डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट वाला मतलब चैप्टर कंप्लीट हो गया लेकिन जो एक्स्ट्रा है चेंजेस करने वाले. ठीक है, चैप्टर्स के नाम क्या? सर पहला चैप्टर न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स. ओके, टेल मी अबाउट दिस लेसन. सर न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स सर इसमें हम सीख रहे हैं कि प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं किसी भी कंडीशन में और प्लांट्स और हमारे बीच में क्या सिमिलैरिटीज है और प्लांट्स क्यों ज़रूरी हैं हम लोग के लिए. और सर ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड ग्रीन प्लांट्स हैं और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा सन है सर. और यहाँ अभी जैसे सर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरकनेक्टेड हैं सबसे जो बनाता है हमारा इकोसिस्टम. सर ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं सर्वाइवल के लिए. ठीक है, वेरी गुड. सेकंड लेसन कौन सा? सर हीट. सर टेल मी अबाउट हीट. सर हीट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी. सर हीट गोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. हीट स्प्रेड इन
इट्स सराउंडिंग एंड सर हीट आर कंट्री अडाप्टेड डिग्री सेल्सियस यूनिट लाइक दैट सर देयर आर थ्री आई लर्न थ्री टाइप ऑफ यूनिट इन हीट डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट एंड केल्विन सर मैथ्स में पहला चैप्टर हो गया हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल दूसरा चैप्टर जो हाँ ये एक हमारा सिंपल इक्वेशन ठीक है फ्रैक्शन क्या होता है और डेसिमल क्या होता है सर फ्रैक्शन एक प्रोसेस मतलब एक कभी भी हम किसी डेसिमल सर डेसिमल और फ्रैक्शन लिंक्ड हैं दूसरे में क्योंकि सर अगर हम लोग कभी प्रॉपर या इम्प्रॉपर जैसे फ्रैक्शन के टाइप होते हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर यूनिट लाइक अनलाइक ये सब बहुत सारे सबके एग्जांपल्स दीजिए सर जैसे सर मैं डेफिनेशन और एग्जांपल दूंगा हाँ बताइए वेरी गुड सर प्रॉपर में क्या होता है जैसे हमारा न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से छोटा रहता है जैसे 1/5 वेरी गुड और सर इम्प्रॉपर में जस्ट इसका उल्टा रहता है ठीक है जैसे सर 5/1 तो इसमें डिनोमिनेटर छोटा रहता है न्यूमरेटर से ठीक है सर यूनिट फ्रैक्शन में होता है 1 न्यूमरेटर उसके बाद सर लाइक फ्रैक्शन में होता है हमारा एक मिनट लाइक फ्रैक्शन क्या ये जो भी आपने नंबर्स बताया क्या वो सारे डेसिमल हो सकते हैं जी सर कैसे सर अगर हम लोग लेकिन सर इम्प्रॉपर को छोड़ के क्योंकि सर इम्प्रॉपर हम लोग होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं जैसे हमारा प्रॉपर जो है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं ठीक है सर इस प्रोसेस में सब इसका पार्ट होता है ये दोनों लिंक रहते हैं फ्रैक्शन डेसिमल अपना इंट्रोडक्शन दीजिए इंग्लिश में सर माय नेम इज़ धर्मेंद्र त्रिपाठी माय फादर्स नेम इज़ राकेश मेहर त्रिपाठी माय मदर्स नेम इज़ प्रतिमा त्रिपाठी आई स्टडी इन जे एन पब्लिक नेशन स्कूल एंड आई स्टडी इन क्लास 7th एंड यू टेक होम ट्यूशन फ्रॉम एंड यू टेक होम ट्यूशन फ्रॉम रॉकी होम क्लासेस यस सर क्या आपको लगता है रॉकी होम क्लासेस से आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि पहले से इम्प्रूवमेंट है यस सर डेफिनेटली क्योंकि सर मेरा मैथ्स काफ़ी वीक था और ये मेरे लास्ट ईयर के एनुअल एग्जाम पे काफ़ी इफेक्ट किया था लेकिन सर अभी जब से शिवम सर आए हैं तब से काफ़ी मुझको मैथ्स में हेल्प हो रही है और सर वो जैसे अदर सब्जेक्ट्स हैं उनको समझा भी दे रहे हैं अच्छे से ठीक है तो क्या आप चाहेंगे सर को कंटिन्यू किया जाए या चेंज किया जाए नहीं सर कंटिन्यू किया जाए ठीक है